हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन और द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज एंड द रिलीज ऑफ एटीपी एंड हाउ द एटीपी इज यूटिलाइज बाय डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म। ओके, so today we are going to see about the mechanism of breathing or respiration. As we have seen that oxygen is required for breakdown of glucose molecule, okay, or glucose in the large animals, or we can call it the aerobic organism. Those break down the glucose by using oxygen. So that means they have to ensure that there should be enough oxygen in our body. Okay, or the organism has sufficient oxygen requirement so that the pathway will continue. Okay, यानी कि देखो कि हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो इस एनर्जी को मतलब हमने देखा कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें इंश्योर, देखो हर ऑर्गेनिज्म को इतना इंश्योर करना है कि उसके पास सफिशेंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो। ओके, तो प्लांट्स का जो एक्सचेंज हमने देखा था कि प्लांट्स एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, बाय द स्टोमेटा। प्लांट्स में क्या होता है, उनके लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन पोर्स से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, यहाँ पे इनटेक एंड एक्सचेंज, गिव एंड आउट ऑफ द गैसेस होता है। ठीक है, सो हाउ डज दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द लार्जर एनिमल्स और द एनिमल्स लाइक अस। ओके, ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, सो हमारे इसमें ये प्रोसेस कैसे होती है हम देखेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर कि इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, इफ आई टॉक अबाउट द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, देयर इज सिंगल सेल टू विच कैरी आउट ऑल दिस प्रोसेसेस, बट इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर हैविंग अ स्पेशल organ for breathing, and this organ is called as lungs. The organisms which are living in water, they have different organs. For example, the water animals or aquatic animals have the gills. Fishes have gills. They breathe through the gills. Okay, so what are the process? Let's we see. So first we will see about the एक्वेटिक एनिमल, दैट इज फिश। सो फिश का देखो बच्चों कि फिश इज एक्वेटिक एनिमल विच लिव्स इन वाटर। तो फिश के पास देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ फिश है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो फिश के बॉडी में गिल्स होते हैं, 7 pairs ऑफ गिल्स होते हैं। सो फिश क्या करता है कि जो वाटर में, यू नो वेरी वेल दैट फिश इज एक्वेटिक एनिमल, दैट मीन्स इट लिव्स इन वाटर। ओके, तो फिश कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। तो ऑब्वियसली वो बाहर आकर ऑक्सीजन तो लेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का इंटेक करने के लिए वो क्या करता है कि अपने माउथ में पानी लेता है। ओके, द वॉटर एंटर्स इन द माउथ ऑफ फिश और एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, दोज आर ब्रीदिंग थ्रू द गिल्स, इनके पास स्पेशल ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, नाउ दिस वॉटर has dissolved oxygen in it, जैसे हमने formula देखा है water का, H2O, hydrogen and oxygen makes the water. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही उसके mouth में ये water enter करता है, तो ये जो gills होती हैं, the gills what they do, they absorb the oxygen dissolved in the water. Okay, I hope so you are understanding what I am teaching. तो जो ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट है उसको वापस हो जाता है। ओके, सो इन दिस मैनर द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद। सो
Now, see here, ki as I have explained you that there are different organs for different animals as well. ओके जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे जो मेंढक है यानी कि फ्रॉग, इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग सो फ्रॉग इज एम्फीबियन. ओके तो यानी कि ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो इनके पास दोनों ये तो स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं. ओके फ्रॉग्स जो है स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन बींग. ओके तो ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रीद करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये हम देखते हैं. ओके सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट हाउ दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ओके देखो हमारे ये जो ऑर्गन होता है ये बहुत डेलिकेट है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये आप ये देख सकते हो ये रिब्स हैं. ओके हड्डियाँ हैं. तो ये जो रिब है, रिब केज मतलब क्या होता है, जेल होता है, जाल होता है. ओके ठीक है तो इस जेल के अंदर हमारा लंग्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है. सो अवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस रिब केज. ओके सो नाउ हाउ दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन दिस रिब केज और ह्यूमन बॉडी, लेट्स सी. ओके नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ नोज. नोज इज द मेन सोर्स. ओके इधर यू कैन ब्रीद इट थ्रू माउथ ऑल्सो, बट द माउथ ब्रीदिंग इज नॉट कंसिडर्ड गुड बिकॉज अ स्पेशल ऑर्गन और पार्ट ऑफ अ बॉडी इज डिनोटेड और मेड फॉर दिस पैसेज. सो वी हैव अ नोज हैविंग टू नोस्ट्रिल्स. ये जो सामने के दो होल्स होते हैं इसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं. नोज में जो हमारे दो होल्स होते हैं इसको हम नोस्ट्रिल्स कहेंगे. ओके सो द नोस्ट्रिल अलाउज द मूवमेंट ऑफ, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयर. ओके आपका जो एयर इन एंड आउट होता रहेगा. एंड नाउ सी हेयर हाउ द एयर विल एंटर. सो नाउ द एयर इन योर सराउंडिंग इट विल एंटर थ्रू योर नोज एंड इट विल गो थ्रू द नेजल पैसेज. ये जो ये पोर्शन है इसको हम नेजल पैसेज कहेंगे. ओके देन इट विल मूव टूवर्ड्स द कार्टिलेज रिंग्स. ओके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से ये मूव करके अब हमारा जो लंग्स है, देखो ये जो कार्टिलेज है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. ओके तो ये जो दो ब्रांचेस है इनको हम पहले तो कहेंगे ब्रोंकाई. क्या कहेंगे इनको, ब्रोंकाई. और ये जो ब्रोंकाई है देखो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा. ठीक है आई विल बी मेकिंग हियर. सो लेट्स सी सपोज दिस इज योर नोज. ओके फ्रॉम हियर द एयर विल एंटर, इट इज द नेजल पैसेज. ओके ये नेजल पैसेज है ये वाला पोर्शन. यहाँ से आपके जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, जो आपका थ्रोट है यहाँ पे विंड पाइप भी होता है, तो इस विंड पाइप से होते हुए वो नेजल पैसेज से होते हुए विंड पाइप से होते हुए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से ये क्या होते हैं, बाइफर्केट हो जाते हैं दो इसमें. ओके दो रिंग रिंग कार्टिलेज है ये दो इसमें फिर डिवाइड हो जाएगा. जो लंग्स हमारा दो इसमें राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई. जो बोनी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई. ओके तो ये ब्रोंकाई फिर सब छोटे छोटे लेयर्स में डिवाइड है. ओके तो उसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल. ठीक है सो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल आई होप सो आपको पता चल गया है. ठीक है नाउ इस ब्रोंकियोल्स में भी छोटे छोटे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर आप इस इमेज में देख सकते हो. ओके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ये छोटे बलून स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट हैं. इसको आप कहोगे एल्वियोली. ओके सो एल्वियोली आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस. ओके एल्यूवेली का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. ओके एक्सचेंज ऑफ गैस क्योंकि ये जो एल्यूवेली होते हैं ये ब्लड सेल्स से या फिर ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसी. आरबीसी किस में प्रेजेंट होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है.
ओके okay? तो यानी अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है. ओके तो यानी कि ये वेसल, ब्लड वेसल से ये जो है एल्वियोलीज कनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन दिस एल्वियोली. ओके सो आई विल बी शोइंग यू द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो प्लीज वॉच इट केयरफुली. नाउ लेट्स सी. Respiratory system takes in oxygen and expels carbon dioxide. Oxygen is delivered into the blood, whereas carbon dioxide is removed. Air enters the respiratory system at the nose and mouth and passes down the throat through the voice box and into the airways. The largest airway is the trachea, which branches into two smaller airways, the left and right bronchi. The bronchi lead into the lungs and branch into even smaller airways called bronchioles. At the end of thousands of small air sacs called alveoli. So you can see the alveoli, networks of tiny blood vessels called blood vessels connected with oxygen it. and carbon dioxide are able to move through the extremely thin barrier between the air and the alveoli. The diaphragm is the most important muscle for breathing in. As the diaphragm contracts, it increases the size of the chest cavity and expands the lungs. The intercostal muscles between the ribs also help move the rib cage. To breathe out, lungs and chest return to their resting shape and the intercostal muscles relax. So students, you have seen this, the mechanism of breathing. Now let's move towards the important part, which is very important in the respiratory system, that is diaphragm. Okay, the function of diaphragm is to move up and down. Okay, अगर आपका ये diaphragm stable रहता तो शायद आप और अब जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये नहीं कर पाते थे. तो वन एक्टिविटी आई विल सजेस्ट टू डू फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट यू विल बी डूइंग कि आप जब आप ब्रीद करोगे, ओके गहरी सांस लेना है और उसको रिलीज करना है. ओके सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये प्रोसेस आपको करना है बाय पुटिंग योर हैंड्स ऑन योर स्टमक. आप अपने स्टमक में हाथ रखकर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने क्या फील किया. ओके सो बाय दिस प्रोसेस यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज द वर्क और द फंक्शन ऑफ डायफ्राम दैट लिफ्ट द लंग्स. एंड नाउ सी हियर कि सीधा है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक और आउट आउट गोइंग ऑफ द गैसेस. सॉरी सो हियर वी हैव सीन हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ओके नाउ एज आई हैव कम्प्लीटेड ऑल पार्ट, सो वंस अगेन लेट मी रिकैप्चुलेट कि हमने देखो क्या देखा कि ह्यूमन बींग जो है इनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ जो ये है ऑर्गन्स, ठीक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ सब ऑर्गन्स, उसका हम देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है और कैसे एंड होता है. ओके तो फर्स्ट हमने देखा कि नेजल पैसेज या फिर नोज है हमारा सबसे मेन है कि नोज के थ्रू हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं. ओके तो नोज के नोस्ट्रिल्स होते हैं. अब ये नोस्ट्रिल्स जो होते हैं अपने अब हमारा जो नोज होता है इस नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ओके वी हैव स्मॉल हेयर्स इन अवर नोज, ओके इनसाइड अवर नोज विच प्रिवेंट और विच फिल्टर द एयर. ओके हैविंग डस्ट पार्टिकल्स और अदर पोल्यूट इन इट. ओके तो हमारा जो बाल नाक में नाक जो होता है नाक के अंदर छोटे छोटे बाल बाल जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो एयर में डस्ट जो भी गंदगी है उसको फिल्टर करना. इसके साथ हमारे नोज में क्या होता है म्यूकस होता है. सो म्यूकस क्या करता है कि जो भी डस्ट होता है उसको मतलब वहीं पर रोक लेता है ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना करे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द नोज. अगर आपको लग रहा है कि नोज का क्या काम है माउथ से भी कर सकते हैं एज आई हैव एक्सप्लेन यू कि वी कैन ब्रीथ थ्रू ऑल्सो बट डायरेक्ट ब्रीदिंग थ्रू और माउथ ब्रीदिंग इज नॉट गुड. वाई द रीजन इज दिस. ओके क्योंकि वहां पर एयर फिल्टर नहीं हो पाएगी और आपके बॉडी में डस्ट वगैरह कुछ भी एंटर हो सकता है. ठीक है फिर आपके जो नेजल पैसेज से क्या होता है एयर एंटर करेगा और ये जो है ओके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू
ये हमारे लंग्स में एंटर करेगा। अब लंग्स में एंटर करने के बाद, आफ्टर एंटरिंग इन टू द लंग्स, यू कैन सी हियर दैट लंग्स आर डिवाइडेड इन टू द स्मॉल, सॉरी, द लंग्स हैज टू ब्रोंकिया, ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकिया आर सब डिवाइडेड इन टू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स कंसिस्ट ऑफ एल्व्यूलीज। ओके, तो ये ऐसे एल्व्यूलीज है, और एल्व्यूलीज में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स मतलब जो आपके, आप हिंदी में इसको नस कहते हो, ठीक है, जो छोटे छोटे कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर इसको कनेक्टेड होते हैं। और ब्लड में हमने देखा कि ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। ओके, और ये पिगमेंट प्रेजेंट होने के वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन है, इसी की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर दिखता है। ओके, सो इन दिस मैनर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मतलब ये जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करेगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, और यू कैन आस्क इन ग्रुप एज वेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप ऑन रीडिंग। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी हमने आधा यहाँ पे कंप्लीट किया, क्या किया कि ऑक्सीजन जो है कौन सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में अब किसका रोल आ गया, हार्ट का। ओके, तो कल हम इसको देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन में है, कैसे डिफरेंट मिनरल्स एंड ऑल सारी चीज़ें मूव की जाती है। ओके, कीप ऑन रीडिंग, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, हैव अ नाइस डे।